दस्तखतों का रियाज। दस्तखतों के रियाज के बारे में पहले भी आपने कई बार जान लिया होगा अन्य गुरुओं से, अदर चैनल्स पे, हमारे ही चैनल से, मुझसे, अन्य कई लोगों से आपने जाना होगा, पढ़ा होगा। दस्तखतों के बारे में हम सब जानते हैं, थाटों के रियाज के बारे में हम सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं उसको एक अलग ढंग से आज बताने की आपको कोशिश करूंगा। एक ऐसे ही चलती क्लास में एक स्टूडेंट को कराते हुए मैंने सोचा कि इस तरीके से भी अगर ये दस्तखत किए जाएँ तो एक थोड़ा सा स्वर की समझ में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और जानिए कि कौन से हैं वो 10 हिंदुस्तानी पद्धति के थाट और उन्हें रियाज कैसे कर सकते हैं। तू भूल न जाना जग से अकेला ही चला, तू भूल न जाना तन पे हरी का चोला, तन पे हरे का चोला। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से वो दस थाट हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वर तीन प्रकार के माने गए हैं, शुद्ध, कोमल और तीव्र। अब इन्हीं प्रकारों से यानी सात हमारे शुद्ध हो जाते हैं, सारे गम पधनी रे ग ध नी, ये चार कोमल भी होते हैं, शुद्ध भी होते हैं और मध्यम हमारा तीव्र भी होता है। तो ये 12 का कॉम्बिनेशन जो होता है, ये मिलाकर इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के, क्योंकि थाट में एक सुर का एक ही रूप इस्तेमाल किया जा सकता है, तो किसी में शुद्ध कर लिया, किसी में कोमल कर लिया। हिंदुस्तानी पद्धति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 10 थाटों का निर्माण किया, जिनमें उन्होंने जितनी हिंदुस्तानी रागें हैं उन्हें कैटेगराइज किया कि ये फलां 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 रागें जो हैं थाट बिलावल में आ सकती हैं, थाट भैरवी में आ सकती हैं, ऐसे अलग अलग उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए। यही काम साउथ इंडिया में वेंकट मुखी जी ने किया, जिन्होंने 72 थाटों का निर्माण किया। ठीक है, तो वो थोड़ी सी लॉन्ग हिस्ट्री है, लॉन्ग थ्योरी है, उसमें न जाते हुए आज मैं सीधा थाटों के रियाज पर आता हूँ। तो उन कॉम्बिनेशन से जो 10 थाट माने गए, उसमें सबसे पहला आया बिलावल, जिसमें सातों सुर शुद्ध लगते हैं। फिर आया भैरवी रे ग ध नी कोमल के साथ, कल्याण मध्यम तीव्र के साथ, भैरव रे ध कोमल के साथ, काफी ग नी कोमल के साथ, खमाज नी कोमल के साथ, आसावरी ग ध नी कोमल के साथ, मारवा रे कोमल म तीव्र के साथ, पूर्वी रे ध कोमल और म तीव्र के साथ, और तोड़ी रे ग ध और म विकृत, यानी कि रे ग ध कोमल और मध्यम तीव्र के साथ। ये 10 थाट का रियाज सिर्फ ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय संगीत वालों के लिए है या जो सेमी क्लासिकल गाते हैं उसके लिए है, नहीं, हर प्रकार के संगीत के लिए। भले आप गज़ल गाते हों, भजन गाते हों, ठुमरी गाते हों, या बॉलीवुड स्टाइल के जॉनर के आपको गाने ज़्यादा पसंद हैं, यानी आप लाइट म्यूज़िक गाते हैं, थोड़ा वेस्टर्नाइज्ड उसमें इनपुट है अगर वो गाते हैं, ये 10 थाट थ्योरी के साथ ही साथ एक्सरसाइज भी हैं। और एक्सरसाइज जॉनर से रिलेटेड नहीं है, वो टेक्निक अलग है जो जॉनर से रिलेटेड है, यानी स्टाइल ऑफ सिंगिंग आपकी जो है वो गज़ल की अलग हो सकती है, ठुमरी की अलग हो सकती है, लेकिन इन्हीं सात सुर शुद्ध कोमल तीव्र के कॉम्बिनेशन से ही वो बनेंगे। तो ये 10 थाटों का रियाज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवेरे में अगर आप करते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो पर्टिकुलर उस थाट के समय में हम उसके पलटे गाते हैं। जैसे सवेरे अगर कर रहे हैं तो भैरव के पलटे हम गाते हैं तो थाट भैरव में गाते हैं, या फिर हम अगर शाम में कर रहे हैं तो कल्याण थाट में गाते हैं, या इन 10 थाटों का अपना अपना समय है जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इन 10 थाट का ये समय बनता है, बाकी इनसे जन्य रागें जो हैं उनका अपना अलग समय भी बनता है। ठीक है, तो वो रागों में पलटे गाना वो एक अलग रियाज हो जाता है। जब आप उस राग की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप नट भैरव में कोई बंदिश गाना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं उसके विस्तार की, तो आप उसके पलटे गाते हैं, तो पलटे गाना एक अलग चीज़ होती है। वरना देखिए, वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि थाटों को गाया नहीं जाता, थाट में गायकी नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गायकी में होते हैं ऑर्नामेंट्स, यानी कि आभूषण के, जैसे मीण, गमक, खटका, मुरकी। तो जब थाट का रियाज होता है ना, तब इन सारी चीज़ों को नहीं करना होता है और सीधे सीधे फ्लैट सुर गाने होते हैं। खैर, ये तो मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज सम अप कर देता हूँ कि जब थाट का रियाज होगा तो सीधे सीधे सुर लगेंगे, सिर्फ कोमल और तीव्र का फर्क देखते हुए, क्योंकि इनमें जो ऑर्नामेंट्स हैं वो रागों के अनुसार लगते हैं। जैसे भाई कोमल ऋषभ लगा तो वो भैरव का अलग लगेगा, मारवा का अलग और पूरिया धनाश्री का अलग लगेगा, भैरवी का अलग लगेगा। तो वो कोमल ऋषभ की तासीर हर राग के अनुसार बदलेगी, तो ऑर्नामेंट उस अनुसार लगता है कि भाई ऋषभ गंधार के साथ लग रहा है कि मध्यम के साथ लग रहा है, तो वो स्पर्श किसके साथ आ रहा है, आंदोलन कितना आ रहा है, कहीं ज़्यादा आएगा तो वो जैसे भैरव है उसमें आंदोलित ज़्यादा हो गया। तो ऐसे फलां फलां रागों में अलग अलग अपने अपने ऑर्नामेंट्स हैं, लेकिन थाट में जब गायकी होती है तो सीधे सीधे सुर लगाने का अभ्यास हमें करना चाहिए। तो आज वही मैं
आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लगा सकते हैं। वैसे आपने सबने जाना होगा कि एक एक थाट में आप अलग अलग अलंकार करें तो उस थाट की आपको पकड़ बैठ जाती है, अलग अलग पिचेस से वो थाट आप करें तो बैठ जाती है पकड़। जैसे हमने कई एक्सरसाइज बताई है ना, जैसे एक ही पिच से एक ही अलंकार लेके दसों थाट आप गाते हैं। जैसे आपने पहली काली ले लिया, मान लीजिए यहाँ से आप बिलावल गा रहे हैं, आरो अवरो एक अलंकार, सारे गम पद नहीं सा सानी दबा मगरे सा, फिर आप भैरवी में इसी को करेंगे, कल्याण में इसी को करेंगे। ये तरीका तो हम सब ने जाना है कि अलग अलग थाटों को स्विच करते हुए एक ही अलंकार में हम अगर करें। यही हमने एक और तरीका जो मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है कि पिचेस बदलते रहने हैं और थाट एक ही रहेगा। जैसे आपने तीसरी काली से शुरू किया, वहां से बिलावल बजाया सारे गम पद नहीं सा सानी दबा मगरे सा, फिर साढ़े तीन से किया सारे गम पद नहीं सा सानी दबा मगरे सा, फिर चौथी से किया सारे गम पद नहीं सा सानी दबा मगरे सा, ऐसे एक एक पिच बदलते बदलते आपने किया। अभी मैं प्रैक्टिकली हारमोनियम पर भी करके दिखाऊंगा, मगर उसकी थ्योरी आपको मैं समझा रहा हूं। तो वो तरीकों से हमने कर रखा है। आज जो मैं तरीका बता रहा हूं वो ऐसा ही है, इससे ज्यादा मुश्किल या कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन एक सरल तरीका है फर्क महसूस करने का शुद्ध और कोमल में। स्वाभाविक सी चीज़ है कि कोमल हम जानते हैं शुद्ध से उतरे हुए स्वरों को कहते हैं, और तीव्र हम शुद्ध से चढ़े हुए स्वरों को कहते हैं। लेकिन ये जो फर्क है कि ये शुद्ध है और यही इसका कोमल रूप है, ये शुद्ध है यही इसका तीव्र रूप है, वो कैसे मालूम चले? तो उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम देख लेते हैं, जिससे शुद्ध कोमल तीव्र स्वरों का फर्क भी मालूम चल जाएगा, थाट का अभ्यास भी हो जाएगा। और गीतों में यही तो अप्लाई होते हैं, इन्हीं थाटों से आप देख रहे हैं कि इन्हीं थाटों में कैटेगराइज्ड रागे हैं, यानी जितने राग हैं उनमें इन्हीं में से कोई सुर लगेगा, इन्हीं में से कोई कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स लगेगा। बस ये होगा कि कोई सुर छोड़ दिया जाएगा या कोई सुर दो, किसी सुर के दो प्रकार लग जाएंगे। तो उसका जो फर्क है वो कैसे महसूस किया जाए, आइए वो देखते हैं ना। तो हारमोनियम की फ्रेम जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा, मैं आपको पहली सफेद से ये चीज करके दिखा रहा हूं। वैसे ये आप अपने पिच से भी कर सकते हैं, अपने पिच अनुसार कोई से भी सुर से कर सकते हैं। अभी अगर पहली सफेद से करके देखा जाए तो शुद्ध सुर जैसे बजते हैं, आपने देखा ये बिलावल थाट था, सारे शुद्ध सुर लगे। अब इसी में आप देख सकते हैं इसकी जो सारणी होती है, यानी इसकी जो लाइन होती है, वो कैसे होती है? सा कोमल रे शुद्ध रे, कोमल ग शुद्ध ग, म तीव्र म, प कोमल ध शुद्ध ध, कोमल नी शुद्ध नी, ये 12 सुर होते हैं। फिर हमारा सा यहाँ से हमारा दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है। ये हम किसी भी पिच से कर सकते हैं, मैं अभी आपको पहली सफेद से करके दिखा रहा हूं, यही पहली से भी करोगे तो भी यही निकलेगा, दूसरी से, तीसरी, चौथी, पांचवी, पहली, दूसरी, साढ़े तीन, साढ़े चार, साढ़े पाँच, पहली सफ़ेद, दूसरी सफ़ेद, तीसरी सफ़ेद, इनको आप ये भी, और ये चौथी सफ़ेद, इसको आप पांचवी सफ़ेद, छठी सफ़ेद और सातवीं सफ़ेद भी कह सकते हो। तो जहाँ से भी आप करोगे यही पैटर्न रहेगा। तो करना क्या होगा, सबसे पहले जैसे आप सा लगाते हैं, सा, फिर आप देखते हैं शुद्ध रे कहाँ है, रे, इसकी अपनी एक ऊँचाई है, ये थोड़ा सा ऊँचा है सा से, सा रे ग, आप देखते हैं सा से रे ऊंचा है, रे से ग ऊंचा है, सा ग सा रे, फिर एक सुर और ऊपर जाएंगे तो सा रे ग मा सा मा, और ऊंचा है सा रे ग मा पा रे ग मा प ध सा ध सा रे ग मा प ध नी सा नी सा रे ग मा प ध नी सा सा सा। तो ये फर्क आपको मालूम चल रहा है कि कैसे एक एक सुर ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब यही फर्क हम शुद्ध कोमल में देखें तो सा रे रे सा, आप देख रहे हैं दो सुरों के बीच में एक कोमल सुर है सा रे रे, वॉल्यूम नॉब की तरह हल्का सा उसकी एक जो श्रुतियां हैं वो डाउन करते हैं जैसे ही हम, तो कोमल रे बन जाता है। फिर आगे बढ़े तो सा रे ग ग, एक एक करके इस तरह से आप स्वरों को देखें सा रे। अब यही चीज मैं तानपुरे पर अगर करके बताऊंगा तो भी ऐसे ही होगी जैसे सा रे सा ग सा मा सा पा सा धा सा
नी सा सा। अब एक एक करके हम इसमें उतरे तो सारे सारे रे सा। तबला भी जब हम मिलाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप थोड़ा सा चढ़ा के फिर उसे हल्का हल्का उतारें तो वो बराबर अपनी खिसक के सही जगह पे आ जाता है। उसी तरह से आप शुद्ध कोमल स्वरों का अभ्यास करेंगे कि सारे ये लगाने के बजाय आप उल्टा आइए सारे। शुद्ध तो आपको आता ही है गाना, तो सारे रे सा इस तरह से आइए, उल्टा चलिए, तो मेरे ख्याल से शायद उस सुर को आप पकड़ लेंगे जल्दी। सारे ग ग ग, वहीं उसके साथ थोड़ा डायल अप डायल डाउन करके देखिए सारे ग म। अब ये तीव्र म लगाया सारे ग म म म म, हल्का सा कर रहे हैं जैसे देखें सारे ग म म म, ठीक है। इसको यूं भी कर सकते हैं सारे ग म प प, है ना। तो आप देखेंगे उतार के अगर आपको देखना है, क्योंकि भाई प से तो नीचे ही उतरा हुआ ही लगेगा ना तीव्र म, तो सारे ग म प प, हल्का सा उतार के देखेंगे, ठीक है। और फिर चेक करेंगे बजा के तुरंत कि भाई सही मैच कर रहा है कि नहीं, अगर आप तानपुरे पर करते हैं ये एक्सरसाइज। एक एक करके सुर आगे बढ़े सारे ग म प ध ध, सारे ग म प ध नी नी, तो आपको पता चलेगा ये शुद्ध है और ये कोमल का फर्क है, ठीक है। अब यही चीज अगर आप थाटों में करते हैं तो किस तरह से करेंगे, एक के बाद एक थाट स्विच करने के बनिस्बत, पहले तो स्वाभाविक है, मैंने यही कहा है कि एक एक करके थाट को पहले सुने फिर गाएं। स्वाभाविक सी चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई गुरु आपके पास नहीं है जो आपको गवा रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो कुछ तो चाहिए रहेगा, तो आप साज का सहारा लेते हैं, हारमोनियम का सहारा लेते हैं। देखिए करने को तो ये 10 थाट का रियाज आप वीडियो के साथ भी कर सकते हैं, वीडियो में भी वो इंसान गा रहा है उसके साथ आप कर सकते हैं, मगर उसमें स्वर की पहचान नहीं होगी, रियाज जरूर हो जाएगा। स्वर की पहचान के लिए आपको खुद एक साज या खुद एक गुरु की आवश्यकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ साज एक लिया हुआ हारमोनियम, इस पर मैं आपको करके बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ एक हारमोनियम एक साज लिया हुआ है तो उस पर मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये शुद्ध है, देखिए इससे उतरा। अब खुद चेक करिए कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले बिलावल थाट गाएंगे हर थाट से पहले। ये वो टेक्निक है जो मैं आपको नई देना चाह रहा था, एक तो वो भी नई दी मैंने कि जो सुर को उतार के लगाएंगे तो शायद वो ठीक से लग जाएगा, और एक ये टेक्निक है कि हर थाट से पहले आप बिलावल थाट गाइए, क्योंकि बिलावल आपने बहुत बार कर लिया, शुद्ध आपने बहुत बार कर लिया, तो आपको शुद्ध सुर पता है, तो शुद्ध के ही कंपैरिजन बेस में कोमल लगाने होते हैं। जैसे पहले आपने बिलावल गाया सा रे ग म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा, अब भैरवी गाएंगे या कल्याण गाएं सा रे ग म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा, फिर बिलावल गाएं फिर कल्याण गाएं, एक एक थाट स्विच करते रहें, दसों थाटों को एक साथ लेने की ना कोशिश करें तो फर्क महसूस नहीं होगा स्वरों में आपको, ठीक है। और इनका क्रम देखिए, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, क्रम कहीं निश्चित नहीं है, सब अपने अपने क्रम के अनुसार चलते हैं, लेकिन एक क्रम मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो बड़ा मुझे लगता है थोड़ा सा लॉजिकल है। जैसे पहले बिलावल गाया शुद्ध स्वर, फिर कल्याण गाया, कल्याण में क्या हुआ कि तीव्र म एक ही बदला, एक ही स्वर बदला, तो पहले बिलावल फिर कल्याण गा लिया, फिर आपने खमाज गाया, या फिर ऐसा कीजिए फिर से बिलावल गाइए, एक एक करके हम बदल रहे हैं ना, तो वैसे जो पेयर बनते हैं वो मैं बता दूं तो बिलावल कल्याण, खमाज काफी, भैरव भैरवी, आसावरी तोड़ी और मारवा पूर्वी, ठीक है। ये जो पेयर्स बन रहे हैं, इन पेयर्स में आप इन दसों थाटों को बांटें, उसके बाद हर एक थाट से पहले बिलावल गाएं, जैसे सारे शुद्ध गाए, फिर आपने एक तीव्र करके देखा तो हाँ ये मालूम चला ये बिलावल ये कल्याण, फिर बिलावल गाया, फिर आपने काफी या खमाज गा के देखिए, खमाज गाएंगे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि एक कोमल, एक एक करके इंट्रोड्यूस करिए स्वरों को, पहले बिलावल गाया फिर कल्याण गाया तो फर्क मालूम चला कि हाँ ये म तीव्र हुआ, फिर बिलावल गाया फिर खमाज गाया, फिर बिलावल गाया और क
काफी गाया, यानी जिसमें दो कोमल आ गए, फिर बिलावल गाया और भैरव गाया, अन्य दो कोमल लगे, फिर बिलावल गाया और भैरवी गा लिया, यानी चारों कोमल हो गए। अब तीव्र का मिश्रण हम एक एक करके शुरू करेंगे, है ना। भले ही आप चाहो तो पहले बिलावल और खमाज गा लो, फिर बिलावल काफी गा लो, बिलावल भैरव गा लो, बिलावल भैरवी गा के सारे कोमल वाले खत्म करके फिर बिलावल कल्याण गाओ, आपकी इच्छा है। ऐसा कुछ इसका क्रम निश्चित नहीं, वही मैंने बताया, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आगे चल के एक एक करके थाट बदलेंगे। फिर बिलावल मारवा, बिलावल पूर्वी, बिलावल तोड़ी, बिलावल असावरी, है ना, जो भी आपका क्रम बनेगा। तो हर से पहले अगर आप बिलावल गाते हैं तो आपको फर्क महसूस होता चलेगा, जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने कल्याण के साथ तो करके दिखाया। एक और टिप मैं आपको देता हूँ, तीव्र म जो होगा ना, हल्का सा नेजल लगेगा शुद्ध म से, और यही कोमल नी और शुद्ध नी का भी फर्क है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। आप करके देखिएगा, अगर आपको ये चीज़ लगती है तो आप इसको, इस फैक्ट को फैक्ट मानिएगा, वरना ये कहीं किताब की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा जस्ट अपना ऑब्जर्वेशन है कि मैंने किया। सारे गा मा, वैसे तो म और न ये दोनों ही नासिका के शब्द हैं, लेकिन तीव्र म और शुद्ध नी थोड़ा सा ज्यादा नेजल जाता है। सारे गा मा, हल्का सा सारे गा मा, सारे गा मा, और यही सारे गा मा पधा नी नी पधा नी। कोमल नी थोड़ा कम नेजल है और शुद्ध म भी थोड़ा कम नेजल है, हल्का है क्योंकि न शब्द है, न अक्षर है, लेकिन नेजल कम है थोड़ा, उसका भी ख्याल रखें। पधा नी नी नी, ठीक है, इस तरह से एक एक करके गाएंगे। तो मैं एक बार गा के दिखाऊं, तो बिलावल सारे ग म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा, कल्याण सारे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा, बिलावल सारे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। अब इसके बाद आप जो भी थाट लेना चाहें, भले आप जैसे खमाज ले रहे हैं, सारे ग म प ध नी सा, है ना, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो कल्याण के बाद आप सीधा मारवा गा के देखें, क्योंकि तीव्र म तो आपने लगा ही लिया था, अब एक कोमल रे भी लगा के देख लीजिए, है ना। तो जो भी आपकी इच्छा है उस क्रम में करिए, लेकिन बस इस चीज का ख्याल रखिए कि पहले बिलावल गाइए, शुद्ध गाइए पहले। शुद्ध गाने से क्या होगा, आपको कंपैरिजन बेस मिल जाएगा हर बार, ठीक है। उसके बाद का क्या काम है आपका, इन्हीं 10 थाटों से 100 थाट बनते हैं। 100 थाट कैसे बने, आरोह में जो थाट गया फिर एक एक करके अवरोह में वो थाट बदलना है। जैसे बिलावल गए कल्याण लौटे, बिलावल गए भैरवी लौटे, कैसे, सारे ग म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा। इस तरह से थाटों का रियाज आपको करना है, एक एक करके थाट बदलेंगे। जैसे फिर बिलावल गए भैरवी आए, तो सारे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा, ये गए। फिर भैरवी गए बिलावल आए, सारे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। तो तुरंत सजग रह के आपको वो सुर का जो रूप है वो बदलना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक एक थाट यहाँ से जाइए, एक एक थाट वहाँ से बदलते आइए, तो 10 जाएंगे और 10 लौटेंगे तो 100 थाट आपके बन जाएंगे। ये थाटों का कुछ रियाज है, ये स्टेप बाय स्टेप करना है, मैंने तो सारा बता दिया एक साथ, लेकिन ये नहीं कि आप सीधा ही वो वाला शुरू करें कि आरोह में अलग और अवरोह में अलग थाट, नहीं, पहले आप स्वरों को पहचानें जिस तरह से मैंने बोला, एक एक उतार उतार के, फिर आप बिलावल हर थाट से पहले गाएं और फिर दूसरा थाट गाएं, इससे पहचान हो जाएगी। उसके बाद ये प्रक्रिया आएगी कि एक एक करके थाट बदलेंगे, बिलावल कल्याण भैरव भैरवी, एक एक करके बदला, उसके बाद इनको रैंडम ऑर्डर में बदलिए, है ना, हमेशा इनका ऑर्डर फिक्स मत रखिए, नहीं तो आप वो वाली हो जाएगी कि भाई ये तो याद हो गए हैं, समझ नहीं आए, फिर इनका रैंडम ऑर्डर करिए। उसके बाद इनका रैंडम ऑर्डर ऐसे ही हो रहा है कि जा कुछ रहे हैं और आ कुछ रहे हैं, तो ये रैंडम ही हो गया अपने आप ही, ठीक है। तो ये छोटी सी एक चीज थी, थाटों का रियाज है, स्वरों का रियाज है बेसिकली, इसको थाटों का रियाज बोल के शास्त्रीय संगीत की कैटेगरी में मत डालिए, ये आपके हर प्रकार के संगीत के लिए है, ठीक है। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ लाता रहूंगा, अगर मुझे लगता है कि कुछ नया मेरे पास है तो आप सभी तक पहुंचाता रहूंगा, यही मेरा काम है। मैं एक मददगार हूं, कोई गुरु नहीं हूं, कोई टीचर नहीं हूं, जस्ट अ गाइड, जस्ट अ हेल्पर। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब जरूर करें।